कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें गाजियाबाद में भी कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सब जिलों में करी गई है। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गाजियाबाद में किस प्रकार की तैयारियां हैं। सर, जनपद के गाजियाबाद में तो कांवड़ यात्रा का मेनली ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़े का भीड़ रहता है। हम बीच में रहते हैं, इधर मेरठ, इधर दिल्ली के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ियाँ गुजरता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जाने वाले लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ियाँ आती है। उसका निगरानी रखने के लिए जनपद का 4 सुपर जोन और 9 जोन और सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बनाए हैं। जो सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी होंगे, जोन के प्रभारी डीएसपी लेवल ऑफिसर होंगे, सीओ लेवल पर ऑफिसर्स होंगे, उन लोग का फील्ड में नेतृत्व में पूरा कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था कराया है। पूरा जनपद का रूट पर लगभग 40 वॉच टावर बना रहा है और 20 ड्रोन कैमरा और 400 सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है हम लोग पूरा कांवड़ियों का मूवमेंट का मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके अलावा कई क्यूआरटीस और हमारा जनपद का मोबाइल पार्टीज भी हम बना रहे हैं हम लोग। सर, दिल्ली में भी आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी, उसमें भी सर क्या पॉजिटिव हो रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर? हम दोनों सीमा से जुड़ा, दोनों सीमा का सभी अधिकारी लोग मीटिंग में शामिल हुआ था। खासतौर से हम लोगों ने यह शेयर किया था जो ट्रैफिक डाइवर्सन कैसे रहेगी, कांवड़िया का मूवमेंट का बारे में शेयर किया है और कांवड़ी जो कांवड़ में कांवड़ियाँ जो यात्रा में शामिल होने वालों को वहाँ पर कांवड़ समितियों के साथ मीटिंग करने के लिए हमारा यूपी का जो प्रोविजन है, जो सुविधा है, उसके बारे में शेयर करने के लिए हमने शेयर किया है और वहाँ से भी उन लोग अपना जो कांवड़ समिति के बारे में शेयर किया और ट्रैफिक डायवर्शन के बारे में प्लान कर शेयर किया हम। सर, 2 वर्षों से कोविड के चलते जो है कांवड़ यात्रा बंद थी, इस बार जो करी गई है और ज़्यादा तादाद में कांवड़ियाँ आने की जो संभावना जताई जा रही है, सर उसके लिए कितनी तैयारी है कि कांवड़ी इस बार जो भक्त हैं ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं? हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट करें, इसलिए हम लोग भी एक्सपेक्ट करें इस तरह को हो सके, इसका उसका अनुसार हम लोगों ने सब तैयारियाँ बढ़िया कराया। इस बार अच्छी तरीके की तैयारी, हम लोग सभी का अच्छी सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद का जो भी कांवड़े आएगा उनका अच्छी सुविधा के साथ उनका सब कुशल उन लोग का उनका पास कराएंगे। धन्यवाद। तो ये थे गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कांवड़ियों के लिए सुरक्षा गाजियाबाद में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।